सोल्स आउट देयर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टैरोट ओनली टैरोट। आई होप आप लोग जहाँ कहीं से भी हमें देख रहे होंगे आप लोग बिल्कुल अच्छे हालात में होंगे। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आ चुकी हूँ एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट लव रीडिंग या फिर फीलिंग्स रीडिंग। सो आज हम फीलिंग्स के बारे में बात करने वाले हैं लगभग हमेशा की तरह। सो आज हम बात करने वाले हैं आप लोग स्पेशल पर्सन जो भी है, आप लोग के बॉयफ्रेंड, आप लोगों के गर्लफ्रेंड, आप लोगों के हस्बैंड या फिर आप लोगों की वाइफ या फिर आप लोगों के सून टू बी हस्बैंड और सून टू बी वाइफ या फिर आप लोगों के क्रश के बारे में भी, वो आप लोग के बारे में क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, इस बारे में आज हम देखने की कोशिश करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने रखा हुआ है दो पाल, दिस इज पाल नंबर वन एंड दिस इज पाल नंबर टू। सो आज हम उनके करंट फीलिंग्स के बारे में बात करने वाले हैं, आज क्या फील करें आप लोग के प्रति वो बारे में आज हम देखने वाले हैं। सो दिस इज टाइमलेस रीडिंग। सो आप लोग अभी देख रहे हैं तो अभी के वाले रिलेट कर पाएंगे और अगर आप लोगों ने बाद में कभी देखा तो आप लोग वो उस टाइम में भी रिलेट कर सकेंगे। सो दिस देयर आर टू पाल्स, दिस इज पाल नंबर वन एंड दिस इज पाल नंबर टू। पाल नंबर वन है ए टू एम, अगर आप लोग के पार्टनर्स का नाम ए टू एम से स्टार्ट होता है तो आप लोग पाल नंबर वन चूज कीजिए एंड अगर आप लोग के पार्टनर्स का नाम एन टू जेड से स्टार्ट होता है तो आप लोग पाल नंबर टू चूज कर लीजिए। सो स्टार्ट करते हैं पाल नंबर वन से ए टू एम। तो अगर आप लोगों के पार्टनर्स के नाम ए टू एम से स्टार्ट होता है तो आप लोग पाल नंबर वन चूज गए हैं। सो आई गेस आप लोगों ने ये चूज किया है, यानी कि आप लोगों के पार्टनर्स का नाम ए टू एम से स्टार्ट होता है। तो देखते हैं आप लोगों के पार्टनर्स के करंट फीलिंग्स के बारे में। फर्स्ट कार्ड आया हुआ है किंग ऑफ कप्स के एनर्जी, किंग ऑफ कप्स, कप्स के एनर्जी, The Sun, Ace of Wands, Temperance, Four of Wands, and Eight of Wands, and the last of the energy has Six of Swords. तो ये है आप लोगों के कार्ड्स। आई होप आप लोग कार्ड्स देख रहे होंगे, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, द सन की एनर्जी, एस ऑफ वांड्स, टेम्परेंस, फोर ऑफ वांड्स एंड एट ऑफ वांड्स की एनर्जी है। यहाँ पे वांड्स की एनर्जी है एंड बस वांड्स की ही एनर्जी है एंड कप्स की एनर्जी है। सो जिस भी पर्सन को याद करके वीडियो देख रहे हैं आप लोग, आई फील लाइक आप लोगों की जो बॉन्डिंग है, आप लोगों की जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही डीप है एंड आप लोगों की कनेक्शन बस एक बस दूसरे को, दूसरे लोगों से देखते, जो देखते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा है आप लोगों के कनेक्शन, बहुत ही डीप है आप लोगों के कनेक्शन। मे बी सोल टू सोल कनेक्शन भी हो सकता है एंड यहाँ पे मुझे फ्रीडम भी दिख रहा है एंड बंदी सम केसेस भी दिख रहा है, पर फिर भी यहाँ पे हैप्पीनेस बहुत ही ज़्यादा है। सो वो भी फील करते हैं जो भी आप लोग, जो भी पर्सन है, जो भी जिसको भी याद करके वीडियो देख रहे हैं, वो भी आप लोगों के कनेक्शन के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं एंड आप लोगों के जो डीप कनेक्शन है उसके बारे में भी उनको बहुत ही अच्छी तरीके से मालूम है एंड कहीं ना कहीं उनके एफर्ट की वजह से ही आप लोगों के जो ये रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप और भी स्ट्रांग हुआ है। आप लोग बहुत ही, इवन दो आप लोग बहुत ही यहाँ पे एकदम इक्वल एफर्ट लगा रहे हो, पर फिर भी उनके एफर्ट मुझे कहीं ज़्यादा दिख रहा है एंड वो आप लोगों के कनेक्शन को कभी भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, कभी भी तोड़ना नहीं चाहते हैं। सो यहाँ पे पर फिर भी कहीं ना कहीं यहाँ पे पेन भी है ऑल टुगेदर, मे बी किसी और चीज़ हो, कोई और चीज़ होगा जिसके वजह से प्रॉब्लम होगा उनके लाइफ में, उनके आप लोगों के प्रति जो नज़रिया है वो नज़रिया में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है। मे बी बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन, मे बी आप लोग उनसे अच्छी तरीके से कम्युनिकेट नहीं करते हैं, आप लोग उनसे अपनी मन की बातें नहीं कहते हैं एंड मे बी ये भी हो सकता है कि आप लोग कहीं टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो उन्हें, नॉट इंटेंशनली बट फिर भी अनइंटेंशनली ही आप लोगों को पता नहीं, आप लोग लगता है कि वो आप लोग ये साथ है एंड वो आप लोगों को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू, बट फिर भी इसके वजह से आप लोगों के जो ट्रू फीलिंग्स है, आप लोग जो उनके लिए फील करते हो वो आप लोग उनको बताते नहीं हो। सो यहाँ पे उसी के वजह से कुछ नेगेटिविटी नहीं है, नॉट एग्जैक्टली नेगेटिविटी, पर फिर भी कुछ बेचैनी है यहाँ पे उनके दिल में, उनके मन में, जो आप लोगों के पर्सन है उनके मन में। द सन का एनर्जी आया हुआ है, सो
आप लोगों का प्यार है ना, जो आप लोगों का प्यार, आप लोगों की रिलेशनशिप बहुत ही जुनून वाला रिलेशनशिप है। आप लोग किसी भी चीज़ के लिए एक दूसरे के लिए कभी भी ना नहीं कहते हो, वो जो भी कहते हो है आप लोग हाँ कह देते हो, एंड आप जो भी कह देते हैं वो बिल्कुल सीधे सीधे हाँ कह देते हैं। एंड यहाँ पे है एस ऑफ वंस का एनर्जी। सो जो मैंने कहा था अभी, आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा डीप कनेक्शन है, आप लोगों के एक दूसरे के प्रति बहुत ही डीप कनेक्शन है। यहाँ पे भी दिख रहा है आप लोग के बस हेड के ही नहीं, आप लोग के माइंड भी कनेक्टेड है। आप लोग हैबिचुएट हो चुके हो एक दूसरे के प्रति। एंड वो होता है ना कभी कभी सिचुएशन, आप लोग वो कुछ कहना चाहते हैं एंड उनके मुंह में वो बात नहीं आता है, पर फिर भी आप लोग स्ट्रेटली कह देते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। वैसे वाले आप लोगों का कनेक्शन हो चुका है एंड इस कनेक्शन की वजह से ही वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। आप लोगों के जो कंपेनियन, आप लोगों के जो पार्टनरशिप है, आप लोग बहुत ही इंजॉय करते हैं आप लोगों की पर्सन एंड आप लोगों के प्रति जो फीलिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। सो आप लोगों के प्रति बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी दिख रहा है मुझे, वो जो फील करते हैं जो प्यार के बारे में, बहुत ही डीप कनेक्शन है। पर फिर भी कहीं ना कहीं नेगेटिव, कहीं ना कहीं ये लॉन्लीनेस भी है, उन्हें डर लगता है कि आप लोग कहीं उन्हें छोड़ के चले नहीं ना जाए, इसके बारे में बहुत ही डर लगता है उन्हें। बिकॉज आप लोग जो है, आप लोग उन्हें अच्छी तरीके से अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताते। हम लोगों को अपने पार्टनर्स को अपनी फीलिंग्स अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करना पड़ता है, एंड आप लोग भी कीजिए इफ़ यू गाइज आर नॉट डूइंग इट। सो यहाँ पे एट ऑफ वांड्स की भी एनर्जी है। सो मे बी आप लोग किसी चीज़ से अभी अभी गुजरे हुए हो, आप लोग रिलेशनशिप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से आया हुआ है अभी अभी। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप लोग एक दूसरे के साथ झगड़ा करके आए हुए हो, इट्स नॉट नेसेसरी। मे बी कोई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में इफेक्ट पड़ा होगा। यहाँ पे टेम्परेंस का एनर्जी आया हुआ है। सो वो बहुत ही काम किस्म के इंसान है आप लोग, एंड आप लोग के रिलेशनशिप को लेकर वो बहुत ही काम है अभी भी, एंड वो आप लोगों के एनर्जी को बहुत ही क्रेव करते हैं, एंड वो आप लोगों को बहुत ही अच्छा समझते हैं यहाँ पे मुझे लग रहा है। सो ये फीलिंग्स, ये एनर्जी मुझे बहुत ही पसंद आया है। पर बस एक ही कमी है आप लोग के रिलेशनशिप में, आप लोग अपनी जो ट्रू फीलिंग्स है वो उनको नहीं बता देते हो। आप लोग एक दूसरे को ही पता है कि आप लोग का रिलेशनशिप अच्छा है, स्ट्रांग है, आप लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर फिर भी कभी कभी बताना जरूरी होता है कि वाट वी फील अबाउट देम। सो ये है पल नंबर वन के लिए। सो आई होप आप लोग ये रीडिंग अच्छा लगा हो। इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो देन इफ यू लाइक दिस वीडियो देन गिव इट अ थम्स अप, एंड इफ यू हैवन सब्सक्राइब टू आवर चैनल देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। सो अभी बात करते हैं पल नंबर टू के। पल नंबर टू कंफ्यूजन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, आने की कोशिश बहुत ही ज्यादा कर रहा है ये कार्ड। सो प्लीज स्टे देयर। सो पल नंबर टू, सो आप लोग के, अगर आप लोग की पार्टनर्स का नाम एंथ जेड से स्टार्ट होता है तो ये पल रीडिंग आप लोगों के लिए है। सो यहाँ पे ओके, आज हम बात कर रहे हैं कि वो आप लोग के प्रति क्या फील करते हैं, क्या फीलिंग रखते हैं आप लोग के प्रति, इफ दे ट्रूली हैव ट्रू फीलिंग्स और नॉट, और फिर कुछ और फील करते हैं, क्या हैप्पी है आप लोग के रिलेशनशिप के बारे में या फिर नहीं, इस बारे में आज हम देख रहे हैं। सो देखते हैं टेम्परेंस हीलिंग की एनर्जी है यहाँ पे। द चैरियट और द हाई प्रेस्टेस स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, द एम्प्रेस, एस ऑफ वांड्स, फाइव ऑफ वांड्स, ओके, पेज ऑफ शॉर्ट्स, ओके ओके। सो राइट नाउ आप लोगों के पर्सन, आप लोगों के प्रति जो बिहेवियर है, आप लोगों के उनके प्रति जो बिहेवियर है उनको रीड कर रहे हैं। आई थिंक लाइक दे आर हैविंग डिफरेंट आइडियाज, दे आर गोइंग इन टू डिफरेंट कंक्लूजन एज वेल। लाइक वो चाहते हैं कि बहुत जल्दी से जल्दी आप लोगों के लाइफ में आकर आप लोगों को उठा के ले जाए उनके लाइफ में, उनके लाइफ में एक साथ बनाने के लिए। सो मोस्ट प्रोबेबली आप लोग आप लोग एक दूसरे के साथ मैरिड नहीं हो या फिर मैरिड भी हो सकते हो। सो यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है।
आपके बारे में वो जानना, बहुत ही ज़्यादा जानना चाहते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे ड्यूअल एनर्जी मुझे दिख रहा है, बिकॉज सम कार्ड्स आर सेइंग लाइक दे वांट टू मैरी यू और दे वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप विथ यू और दे वांट टू अपलिफ्ट योर योर रिलेशनशिप। बट यहाँ पे कहीं कहीं दिख रहा है कि आप लोग अभी रिलेशनशिप में नहीं हो। सो हो सकता है आप लोग जो भी हमें देख रहे होंगे कोई मैरिड हो या फिर कोई मैरिड ना भी हो सकते हो। अगर आप लोग मैरिड है तो मे बी आप लोग की लाइफ में न्यू बिगिनिंग आने वाली है, न्यू हैप्पीनेस, जिसके वजह से आप लोगों का कनेक्शन और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। आप लोगों की जो अभी रिलेशनशिप है मे बी अभी उतना स्ट्रांग नहीं है, वो रिलेशनशिप और भी ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है इफ़ यू गाइज आर मैरिड। एंड जो आप लोगों के पर्सन है वो आप लोगों के प्रति बहुत ही ज़्यादा काम है। एंड इवन दो आप लोग उन्हें टैंटम शो करते होंगे या फिर कुछ ड्रामा शो करते होंगे, पर फिर भी वो बहुत ही कामली हैंडल करते हैं। एंड वो कन्फ्यूज है, दैट डजेंट मीन कि वो कामली हैंडल करते हैं, दैट डजेंट मीन कि वो हैंडल करना चाहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो प्यार करते हैं, इसी की वजह से आप लोग हैंडल कर रहे हैं, नॉट बिकॉज दे वॉन्ट टू। सो बट दे वॉन्ट टू एज वेल, आई मीन लाइक या द एम्प्रेस एंड द एम्प्रेस का एनर्जी आया हुआ है। सो इफ़ यू गाइज आर नॉट मैरिड, देन दिस इज द स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, दिस इज द स्ट्रॉन्ग देयर इज द स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दैट यू गाइज आर गोइंग टू बी मैरिड सून विथ योर लव्ड वन, विथ योर रिलेशनशिप पार्टनर। सो यहाँ पे फाइव ऑफ वंड्स की भी एनर्जी आया हुआ है। कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन भी होता है यहाँ पे। जो आप लोग कहना चाहते हो वो कोई और ही बात समझ लेते हैं, एंड जो वो कहना चाहते हैं आप लोग कोई और ही बात समझ लेते हो, बिकॉज मे बी इट इज़ बिकॉज द रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड्स, ये भी हो सकता है, या फिर बिकॉज ऑफ योर एरोगेंस ईगो। कभी कभी ईगो आ जाता है सामने, आड़े आ जाता है, जिसके वजह से ये कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होता है। मे बी आप लोगों के लाइफ में भी, आप लोगों के रिलेशनशिप में भी इसी के वजह से ये कुछ प्रॉब्लम आ रहा होगा। सो यहाँ पे हो सकता है कि ये चांसेस बहुत ही ज़्यादा है पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। सो जो भी हो रिलेशनशिप का, आप लोगों की सिचुएशन जो भी हो, वो बहुत ही आप लोग स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग के बिहेवियर स्टडी करने की कोशिश कर रहे हो। वो चाहते हैं कि आप लोगों को, आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर सके, आप लोगों के साथ फ्यूचर बिता सके, एक रिलेशनशिप को आगे बढ़ा के जा सके। इसी की वजह से आप लोग हर हैबिट को, आप लोग की हर चीज़ों को अच्छी तरीके से एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं एंड पढ़ रहे हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पेज ऑफ शोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स के भी एनर्जी आया हुआ है। सो कप्स के एनर्जी यानी कि प्यार तो होना ही है, आप लोग रिलेशनशिप में प्यार है, सेवन ऑफ शोर्ड्स। सो यहाँ पे प्यार है, बस कभी कभी कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम्स आ जाता है बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, सर्टेनली मिसअंडरस्टैंडिंग, बिकॉज आप लोगों के जो एक पर्सनालिटी है, आप लोग एक दूसरे के बहुत ही अपोजिट है मुझे लगता है। इफ़ यू गाइज आर साइलेंट देन दे आर वायलेंट, एंड इफ यू आर वायलेंट देन दे आर साइलेंट, इट्स काइंड ऑफ दैट लाइक यू नो। सो द हाई प्रोसेस का एनर्जी है एंड यहाँ पे ये है। सो ये है पावर नंबर टू के लिए रीडिंग। आई होप आप लोग ये रीडिंग अच्छा लगा हो। इफ यू गाइज लाइक द वीडियो देन गिव इट अ थम्स अप, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल देन प्लीज 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 डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। सो ये है आज के लिए रीडिंग। आई होप यू गाइज एंजॉय द वीडियो। इफ आप लोगों को कुछ भी कहना है या फिर कुछ भी हो आप लोग मन में, जो भी आया हो अभी करेंट टाइम में जो ये वीडियो देखते हुए, तो प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आई लव यू गाइज, हैव अ स्टे सेफ, बाय बाय।